बिहार में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। कोरोना के मसले पर आरजेडी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आंकड़े हर रोज तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष को लगता है कि आंकड़ों में भी गड़बड़ी हो रही है और सरकार सदन के भीतर कुछ और सामने कुछ और बता रही है। तेजस्वी ने इस मसले पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके बाद जेडीयू और बीजेपी ने कमान संभाली और तेजस्वी यादव को जवाब दिया। कोरोना के आंकड़ों पर तेजस्वी का ताबड़तोड़ हमला, सरकार पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप, आरजेडी के तेज वार पर जेडीयू और बीजेपी का पलटवार। बिहार में कोरोना का संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से इस मसले पर राजनीति हो रही है। सवाल आंकड़ों को लेकर उठाए जा रहे हैं और आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में बताया कि कुल कोरोना जांच में से 52.9% आरटीपीसीआर, 17.9% ट्रूनेट और 29% एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने 11 अगस्त को पीएम के साथ समीक्षा बैठक में बताया कि बिहार में प्रतिदिन 10% से भी कम आरटीपीसीआर जांच हो रही है। यानी पर डे जो है केवल जो है 10% ही 2 अगस्त तक का जो है आरटीपीसीआर का जांच हुआ है। अब मंगल पांडे जी के कहे अनुसार यानी 52.9% आरटीपीसीआर का जांच हुआ। मतलब मैंने बयान दिया, मैं तो कह रहा हूं मैंने बयान दिया, और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा एक दिन के बारे में, आप ही लोग सोचिए, मैंने तिथि बताई आपको 11 जुलाई से तो एंटीजन टेस्ट शुरू हुआ है, उसके पहले तो जो जांच हुई थी सारी जांच तो आरटीपीसीआर और ट्रूनेट पर हुआ था। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी किया और आरोप लगाया कि पीएमसीएच में कोरोना जांच के लिए पैसे की मांग हो रही है। इन सरकारी अस्पतालों में भी कोरोना को लेकर के जो है पैसे मांगे जा रहे हैं और हम चाहेंगे, हम नहीं बोल रहे बल्कि एक वीडियो है अस्पतालों का जहां जो कोरोना के टेस्ट के लिए जो लोग गए हैं, बुनियाद सवालों के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर उन्होंने कई ऐसे आरोप लगाए हैं जिन आरोपों का कोई न वजूद है न वो तथ्यपरक है। यही नहीं, तेजस्वी ने केंद्र से मिलने वाली मदद को लेकर भी सवाल पूछा। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र ने 890 करोड़ रुपए कोरोना को लेकर राज्यों को दिए हैं। सभी राज्यों को देने की बात कही गई है, लेकिन बिहार को शामिल नहीं किया गया। बिहार को कोरोना के लिए पैसे नहीं दिए गए। नीतीश कुमार ने आखिर केंद्र से पैसे मांगे या नहीं, ये बात जाहिर करें। आखिर बिहार से भेदभाव क्यों हो रहा है? तो आपने प्रधानमंत्री से पैसा मांगा कि नहीं मांगा, और केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बिहार को क्यों नहीं पैसा दिया, ये जानते हुए आप बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि बिहार जो है हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, लेकिन पैसे देने के मामले में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमारे प्रधानमंत्री ने जितना काम किया है वो पूरे दुनिया के अंदर में उसकी सराहना हो रही है। उन्होंने 10 राज्यों के साथ अभी समीक्षा बैठक में उन्होंने साफ तौर पर कहा है, और बिहार के अंदर में भी उनका विशेष ध्यान रहा है। दिल्ली से नेहा के साथ